हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं गूगल सीट के बारे में। गूगल सीट होता क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, वह चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में हम लोग, गूगल सीट होता क्या है। सबसे पहले आप लोग को याद होगा, या मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एमएस एक्सेल जो आपको पढ़ाया गया था, इसके बारे में क्या बताया गया था? भूल गया होगा आप लोग। जो एक्सेल है हमारा, वह एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम क्या है बाबू? स्प्रेड शीट प्रोग्राम है। इसका उपयोग करके हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बोलो, उस टेबल के सहारे कोई भी रिपोर्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। उस रिपोर्ट के सहारे अगर उसमें कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उस डाटा को एक जगह से दूसरे जगह शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करके हम लोग डाटा एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? डाटा एंट्री करते हैं और उस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सबसे ज्यादा। तो देखो, जो एमएस एक्सेल में जो काम किए थे वह सारा हमारा सीट आया था, सीट पे वर्क किए थे। सेम वैसे ही जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है गूगल सीट। सेम वैसे क्या है? जी, गूगल सीट। मतलब गूगल सीट पे भी एमएस एक्सेल के जैसा काम किया जा सकता है। इस पे भी हमारा सीट ओपन होगा और उस सीट को बोलेंगे स्प्रेड सीट। एमएस एक्सेल को स्प्रेड शीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, वैसे गूगल सीट को भी स्प्रेड शीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। जैसे एमएस एक्सेल में जो सीट पे काम करते थे, हम लोग गूगल सीट पे भी सीट पे काम करेंगे। और इसमें भी कॉलम है, इसमें भी रो है, और इसमें भी हमारा सेल है। और इन्हीं रो कॉलम और सेल का इस्तेमाल करके हम कोई भी डाटा बेस क्रिएट कर सकते हैं और उस पे फार्मूले के सहारे हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल, इसमें डिमांड क्यों ज्यादा है? इसलिए है क्योंकि यह क्लाउड स्टोरेज स्पेस है। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज स्पेस है। रीजन क्या है? क्योंकि डाटा हम बनाते जाएंगे और डाटा ऑटोमेटिक वो क्या होता जाएगा? सेव होता जाएगा, और उसको आसानी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह शेयर भी किया जा सकता है, और फ्यूचर में इसको डिलीट होने का डर भी नहीं, जब तक एक आम यूजर डिलीट उसको ना करे, समझे? इसीलिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो एमएस एक्सेल में नहीं है लेकिन हमारे गूगल सीट में दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं। देखो, गूगल सीट का इस्तेमाल करके हम लोग, मैंने बताया है कि कोई भी डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पाइवोट टेबल क्रिएट किया जा सकता है, उस पर कैलकुलेशन किया जा सकता है। चलो अब देखते हैं इसका उपयोग कैसे करेंगे। इसके लिए आपको आना है कहाँ पे? जी, गूगल एप्स पे आना है, और देखो सब ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो तुम चाहोगे तो ड्राइव में भी जाके कर सकते हो, और चाहोगे तो देखो यही ऑप्शन दिया है, गूगल स्लाइड गिरा ना आपको, यहाँ पे नीचे जब आओगे कहीं पे मिलेगा आपको गूगल सीट, यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, अंदर जाके भी कर सकते हो। चलिए हम यहीं पे क्लिक कर लेते हैं।
ग्रह और यहाँ पे देखो बने बने फॉर्मेट दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, नए सिरे से काम करना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ब्लैंक, आप लोगों को ब्लैंक पे क्लिक कर देना। रहा है और उसके बाद से देखिए ये सेम एक्सेल के जैसा ही काम करेगा और इसमें भी रो और कॉलम है। जैसे देखो यहाँ पे दिया है ए बी सी डी, ये क्या है हमारे का कॉलम है, और यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारा क्या है रो है, और जिसपे क्लिक किए वो क्या है सेल। क्लियर है ना आपको? चलिए हाँ दिख नहीं रहा है, चलो हम बॉर्डर लगा देते तब दिखेगा। दिख रहा है? चलिए मतलब हमारे में दिख रहा था, वो प्रोजेक्टर में नहीं दिख रहा होगा, परेशान मत होना। तो देखो आप पता चला एक कॉलम है और यह रो है, और बीच में यह जो दिख रहा है सेल है, और इन्हीं सब का इस्तेमाल करके हम कोई भी डाटा बना सकते हैं। तो आप बताओ एक्सेल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो, वैसा ही सेम इसमें भी काम होगा। हाँ इसमें कुछ नए ऑप्शन दिए गए हैं, उसको भी जानना जरूरी है और कुछ और भी इसके बारे में समझना जरूरी है। तो चलिए देखिए यह हमारा देखो लिखा है अनटाइटल स्प्रेडशीट आपको, तो हम जो बना रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके, और उसका हम नाम देखो यहाँ पे लिखा है ना माई ड्राइव, देखो सेव कहाँ हो रहा है माई ड्राइव में, अनटाइटल स्प्रेडशीट, और लिख देंगे यहाँ पे क्या तो डाटाबेस बना रहे, लिख देंगे डाटा बेस। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे डाटाबेस आ गया, और यहाँ पे देखिए यह जो हमारे फाइल एडिट है क्या है हमारे मेनू है, और इस मेनू के अंतर्गत हमारे देखो बहुत सारे क्या दिए गए हैं ऑप्शन भी दिए गए, क्या दिए गए हैं ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद से देखो ये नीचे जो दिख रहा है हमारा यह प्रॉपर्टी टूल बार है, क्या है प्रॉपर्टी टूल बार है। ठीक है, हमारा जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं और जैसे एक्सेल में काम करते थे वैसे इसमें भी काम करके देखते हैं। आप बताओ मुझे एक हेडिंग बनाना है, क्या बनाना है मुझे हेडिंग एक बनाना है, तो वह हेडिंग कैसे बनेगा बोलिए। इसके लिए हम बहुत सारे सेलों को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने बस खोजेंगे मर्ज एंड सेंटर कहाँ है। तो जब यहाँ पे देखो आओगे तो ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, आप यहाँ पे कोने में आओगे देखो यहीं पे लिखेगा मर्ज सेल, दिख रहा है? अब यहीं पे मर्ज सेल पे आप क्लिक कर दोगे, जैसे मर्ज सेल पे क्लिक करोगे सेल मर्ज हो गया और एक सेल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डाटा बेस। अब देखो इसका अलाइनमेंट किस साइड गया है, राइट। अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है यहाँ पे स्टूडेंट डाटाबेस लिखा और इसका अलाइनमेंट हमको सेंटर में करना है, यहाँ पे आएंगे और कर देंगे इसको सेंटर, और साइज को यहाँ से प्लस 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 करके बढ़ा देंगे, दबाते रहना जितना बड़ा करना है। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद से यहाँ पे इसका कलर करना हमको, ठीक है टेक्स्ट का कलर करना है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया टेक्स्ट कलर, अगर इसका बैकग्राउंड कलर करना हो तो यहाँ पे देखिए आप फिल कलर। तो चलिए आते हैं टेक्स्ट कलर पे और रेड करते हैं और बैकग्राउंड करते हैं यहाँ से येलो, हो रहा है कुछ सेम वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, और देखो काम करने का प्रोसेस भी सब सेम वही है। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हेडिंग देंगे सीरियल नंबर, और लिखो A1, और यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया,
ठीक है, क्या करो अभी ना वन टू कहा जाए तो चलिए यहाँ पे हमने सीरियल नंबर दे दिया और उसके बाद हमने दे दिया स्टूडेंट ने, उसके बाद से कोर्स फी ठीक है बाबू। और ये सब हमारे क्या है, हेडिंग है। इस सबको क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड करेंगे और बोल्ड करने के बाद से थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे और इसका भी कलर हम सेलेक्ट करके रेड कर, बन गया। अब देखो यहाँ पे हमें स्टूडेंटों का नाम लिखना है तो यहाँ पे आएंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे स्टूडेंटों का नाम लिखेंगे क्या, रोहन गोधन, अब ध्यान दो सभी लोग। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद से देखो हमारा सीट यहाँ पे ऊपर हुआ लिखा सीट वन, दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखो जैसे एमएस एक्सेल में जो हमारा रो आता था वो लगभग 10 लाख आता था, 10,48,576 रो था, लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है। इसमें जो हमारा जो रो है वो 1000 है, कितना है 1000 है। देखो यहाँ पे जब आओगे यहाँ पे देखो लिखा आल सीट और यहाँ पे जब आओगे नीचे एक एक करके हमारा रो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो आप लोग इसको भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखो इससे रिलेटेड मैं बनाया हूँ ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग भी दिए गए हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले आते हैं और फर्स्ट वाली सेल पे आके और दबाते हैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो, क्या दबाए कंट्रोल के साथ डाउन एरो। देखो यहाँ पे आ गया क्या 1000। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गूगल सीट में रो की संख्या कितनी होती है, 1000 होता है, ध्यान देना ठीक है। यहाँ पे इससे ज्यादा भी चाहोगे तो बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा भी चाहोगे तो बढ़ा सकते हो, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग बनाते हैं तो 200-500 लोग का डाटा बनाते हैं एक सीट पे, सीट फेज से चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर 10,000 तक बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं बाय डिफॉल्ट हमारा जो होता है ना यहाँ पे मैनुअल तरीके से, तो आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो ठीक है। बोला इससे भी ज्यादा कम ज्यादा लिया जा सकता है, हो जाएगा ना बाबू। चलो हाँ अब चलो यहाँ पे आते हैं और उसके बाद इससे भी ज्यादा लाना था, यहाँ पे आपसे दिया प्लस एड सीट और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे सीट को एड कर सकते हैं, सीट वन सीट टू ये सारे आपसे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो क्या और भी हमारा रो इंसर्ट हो जाए तो देखो यही पे ऑप्शन दिया है वन, यहाँ पे ऐड कर दो, कितना चाहिए 10,000 ऐड लो 10 लाख, क्या करो 10 लाख बना, जैसा जरूरत पड़ेगा बनाते रहना, देखते रहना हम खेलना जाके वहां ठीक है। यहाँ पे आके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है, हो जाएगा ना। चलो बाइट पर कितना लिखे हो 10,000 1000। चलिए उसके बाद से ध्यान दो, यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे फी देना है
एड अमाउंट देना है, डी अमाउंट देना, पहले ये बना लेते तो कुछ और सेटिंग बताते इसमें जो एमएस एक्सेल में भी दिया है और इसमें भी दिया है। फी दे देते हैं, लो सब कहानी बीत गया, आपको एक्सेल का फॉर्मूला लग जाएगा। सेम वैसी वैसा ही है, लगेगा नहीं। चलो इसमें नए फार्मूले एक दो हैं, वो बहुत ही फुल है। चलो जितना जितना पैसा इन्होंने दिया है वो हमने क्या किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए जैसे हम लोग एक्सेल में फार्मूले का इस्तेमाल करते थे, लगाते थे, वैसे इसमें भी लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका अलग नहीं है, तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज होगा, फार्मूला वही लगेगा, सेम तरीका वही है, लेकिन रिजल्ट देखो, तुमको जैसे फार्मूला लगाते जाओगे ना, रिजल्ट हम इंटर बटन दबाते हैं एक्सेल में तब शो होता है ना, इसमें पहले शो हो जाएगा। देख लो ये आंसर आने वाला है, तब इंटर बटन दबाओ। जैसे इक्वल, और इक्वल करने वाले से देखो ये समझ गया, कितना समझदार है। देखो बस हम इक्वल किए तो ले लिया, देखो फोर माइनस अब बता दिया कितना, 11 है। बताओ हमने भी माइनस वन भी नहीं दिया, ये नाम से पकड़ लिया ये अब की है और इन्होंने दिया है, इसलिए माइनस करके देखो 11 का वैल्यू है। नहीं इसको इतना समझाया गया है, वो समझदार है, ज्यादातर अमाउंट की देते हैं और ये पैड अमाउंट जब समझ गया है तो समझ गया कि कितना है और ये चाह क्या है, इतने में कितना घटाना चाह रहे हैं, तो बता दिया। अगर संतुष्ट हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो अपने हिसाब से लगाओ। प्लस करना चाहिए तो प्लस कर देंगे बैक एक्सप्रेस करके। अरे यार हमेशा इतना समझदार नहीं है, ठीक है, कभी कोई समझ लेगा और हमेशा नहीं समझेगा। आ गए ना बाबू, और यहाँ करने वास्ते यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। अब देखो मुझे चेक करना है, शांत रहो सभी लोग, मुझे चेक करना है टोटल ड्यू अमाउंट अभी भी कितना बाकी है, कितना हमको लेना है। तो हम देखो करेंगे इक्वल, और इक्वल देखो कर सम, समझ गया कि हाँ जोड़ना है नीचे, और वैल्यू भी आ गया 32,500, बस यही करना है जी, यही करना है, इंटर दबा देंगे। हाँ नेटवर्क बहुत बढ़िया है। चलिए तो ऐसे कैलकुलेशन कर ले जाएंगे ना, मतलब फार्मूले वही है, प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन ये छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए ऑटोमेटिक ले ले रहा है। लेकिन यही अब वैल्यू कब लगाने लगे, ये वैल्यू कब लगाने लगे, सम इफ और सम इफ लगाने लगे, तो वहां पे नहीं समझेगा उतना कि किसके हिसाब से निकालना है, वहां पे तो हमको ही निकालना पड़ेगा। मतलब एक्सेल के सारे फार्मूले गूगल शीट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे से इसको सीख लोगे, तो अगर किसी कंपनी में जाते हो तो एमएस एक्सेल की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा डिमांड इसी का है, क्योंकि सभी लोग काम कर रहे हैं तो गूगल शीट पे ही काम कर रहे हैं और एक्सेल का सारा काम गूगल शीट कर लेता है। लेकिन आप कौन सा कैसे सीखेंगे, तो आप एमएस एक्सेल सीखे हो और सेम ऐसे ही जितने फॉर्मूले उसमें सीखे हो वो सब इसमें अप्लाई करके दो चार दिन देख लो, धीरे धीरे सीख जाओगे चलाना कैसे चलाएगा। तरीका अलग नहीं है, तरीका अलग रहता था तो मैं एक एक करके बताता, लेकिन सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। अब चलो सीट में कुछ सेटिंग दिए गए हैं, आप राइट क्लिक करिए और देखो इतने ऑप्शन दिए गए हैं, अगर सीट को हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, नहीं नहीं करना, चलो इसको डिलीट कर देते, दूसरे वाले को राइट क्लिक डिलीट।
हो गया। चलिए अब राइट क्लिक करते हैं या यहाँ पे क्लिक करोगे कोने पे तो भी आ जाएगा। और अगला डुप्लीकेट, मतलब इसी सीट का क्या करना है, डुप्लीकेट बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखो ये सीट वन और देखो लिखा है कॉपी ऑफ सीट वन, दोनों में डाटा वही है ना। अब इसमें से थोड़ा बहुत चेंज करना है तो यहाँ से चेंज किया जा सकता है। अब आते हैं, क्लिक करते हैं, अगला है मूव टू, मतलब कॉपी टू, और कॉपी टू में दो ऑप्शन दे रहा है, न्यू स्प्रिट सीट में या एग्जिस्टिंग स्प्रिट सीट में। सर बोला सर नए में ला दो, आ गया, ये पहले से और एक और एक कॉपी बन गई, दिखाई दी तो रहा है, हो जाएगा। उसके बाद से आएंगे अगला रीनेम, ये तो पता है आपको, चेंज कलर, इस सीट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नीचे आ रहा है, तो ऐसे सीट का कलर भी किया जा सकता है, प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड भी लगा सकते हैं, दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, बस क्लिक कर दो पासवर्ड, इंटर डिस्क्रिप्शन, ये जल्दी वर्क करता नहीं, इस पे बहुत दिक्कत करता है। इसमें लॉक हुआ है कि नहीं, काम करें, हो रहा है, कोई डिलीट करें, सब पूछ रहे हो तुम, सब ऑप्शन काम कर रहा था, रीडू काम नहीं करेगा। पासवर्ड लग रहा है, कहाँ जा रहा है, चेक करें। हाँ इसको बंद करते हैं, हाँ गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। देखो क्या दिख रहा नीचे, बोल दो। अरे गधे, लॉक का मतलब क्या, खुद दिखवे नहीं करेगा ना, दूसरा पासवर्ड किसके बारे में, इसको चेक किया जाएगा कैसे काम कर रहा है, ये प्रोसेस अब लॉक हो नहीं रहा है, ठीक है, चेक करना पड़ेगा कैसे वर्क है। जैसे हम वो अलग ऑप्शन दिए, चलो चेक करेंगे इसको क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और अगला ऑप्शन दिया है हाइड सीट, ए शांत रहो, ये सीट को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक है, और लाना है तो बोलो, कहीं दिख रहा है नहीं ना, अब कहाँ से लाएंगे, बोलो, नहीं पता है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमने हाइड किया है, हाइड तो हो गया, अब ये शो कराने के प्रोसेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा बीयू में हिडे, दिख रहा है नहीं, तुम लोग परेशान कर देते, नहीं मिलता है तो दिखाई जल्दी से, चलो हो जाएगा बाबू। ये देखो ये किसी से नहीं पढ़े हैं, पढ़ते पढ़ते आ गया है, ठीक है, ध्यान देना।